नमस्ते मित्रों, स्थित प्रज्ञ एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम डफरिन के कार्यकाल के विषय में चर्चा करेंगे। डफरिन के कार्यकाल की पहली प्रमुख घटना पंचदेह घटना, यह घटना 1885 में अफगानिस्तान के प्रति रूस की निरंतर विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप घटी। इसके अलावा महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे अक्सर कांग्रेस पार्टी के रूप में जाना जाता है, ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 में स्थापित कांग्रेस को शुरू में शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। समय के साथ यह एक प्रमुख राजनीतिक ताकत में बदल गया, जिसने स्वशासन और स्वतंत्रता की वकालत की। कांग्रेस की स्थापना के बाद सबसे प्रमुख घटना तीसरा बर्मा युद्ध था। तीसरा बर्मा युद्ध, जिसे 1885 का बर्मा अभियान भी कहा जाता है, एक संघर्ष था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य और बर्मा के राज्य के बीच हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप बर्मा का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ और उसे ब्रिटिश भारत में समाहित किया गया। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ सामर्थ्य और गुणवत्ता वाले भूमिका निभाई।